ये मजदूर दो भाई है, नानला गुडा मोटला गुडा, मतलब छोटे भाई का नानला गुडा, बड़े भाई का नाम मोटला गुडा, और अगर बीच में रहता तो उसका नाम क्या रखते गोपाली। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसा आप सब? आई होप कि आप सारे के सारे मजे में होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस, फिलहाल मैं आया हूँ न्यू मकान पर, छत भी भर चुके हैं और अभी बना रहे हैं पैराफिट, ये भी बना चुके हैं अभी, वहाँ पर क्या है कि क्या बोलते हैं टावर बना रहे हैं। और गाइस, बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा मन जो है कि अब YouTube छोड़ने का है, YouTube छोड़ रहा हूँ, लेकिन खुशी से छोड़ूंगा, ऐसा नहीं है कि गम से छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे YouTube ने बहुत कुछ दिया है और मेरा सब कुछ अच्छा हो चुका है, दुकान वकान भी रह चुकी है, मुझे अब ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, तो मैं जब भी YouTube छोड़ूंगा ना तो खुशी से छोड़ूंगा, लेकिन अभी 4-5 दिन हो गए तो मैंने सोचा चलो व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो फिलहाल आपको ये मकान दिखाते हैं, काम चल रहा है यहाँ पर और सामने का नज़ारा भी दिखाते हैं। ये देख लो सड़क, तेज़ी से लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं, ये काम चल रहा है हमारा भी, लगभग पूरा काम हो चुका है, पलस्तर बाकी है और ये 12 फीट भी बन चुका है, उधर टावर बन रहा है। गाइस वो देखो बोर्ड, आपको पता चल जाएगा कि हमारे गांव से आगे जो गांव आते हैं, आपको मैंने बताया था ना, सेंधवा, चाचरिया, खरगोन, तो इधर से भी रास्ता है, ये देख रहा तीर का निशान इधर है, तो इधर से भी रास्ता है खरगोन जाने का, इधर से भी है, इधर घना जंगल, सामने सतपुड़ा जो कि मैं आपको दिखाते रहता हूँ, एक मटका है जो खाली है। अब ये मजदूर लोग बोल रहे हैं कि भैया इसमें पीने का पानी भरो पानी कहाँ से पियेंगे ये, तो अभी पानी भरवाते हैं, ये काम चल रहा है। और ये इनका मेन कारागिर है, इसका नाम गोपाल जादव है, जादव है कि भार्गव है, मानकर, हाँ गाइस मानकर है मानकर। और ये दूसरा कारागिर भी मेन है इनका, और इसका नाम मुकेश है। ये मजदूर दो भाई है, नानला गुडा मोटला गुडा, मतलब छोटे भाई का नानला गुडा, बड़े भाई का नाम मोटला गुडा, और अगर बीच में रहता तो उसका नाम क्या रखते गोपाली, कह रहे बीच वाले का नाम क्या रखते यार ठीक है दोस्तों, लगभग काम वाम तो बहुत तेजी से चल रहा है, पूरा हो चुका है मकान का, नीचे भी आपको दिखाऊंगा, लेट बात बन चुकी है। चलो यार गोपाल, दुकान पे बैठूंगा थोड़ी देर। तो गाइस यहाँ से निकलता हूँ मैं, दुकान पे बैठूंगा थोड़ी देर, उसके बाद खरगोन जाने का भी प्लान चल रहा है, वाइफ का कुछ काम है तो उनको लेके जाना है साथ में, तो देखते हैं आगे क्या होता है, फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। देखो दोस्तों टप्पे किस तरीके से दिए इन्होंने, एकदम मस्त सीधा सट्टा चढ़ाव है, यहाँ से ऐसे और ये इधर, तो अंधेरा अंधेरा है, क्या दिखाऊँ आपको, ये किचन बनेगा और ये एक रूम है, एक ये रूम, छत अभी तक नहीं खोली इन्होंने, अब खुलने वाले हैं 1-2 दिन में। तो भाई खाना बन रहा है, आटा भी गूंथ दिया है और ये आलू बन रहे हैं, क्या है ये आलू बनेंगे, आलू की चटनी। गाइस ये दूसरी बार चाय मिल रही है मुझे, सुबह भी पी लिए और अभी भी पी रहा हूँ, बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, देखो फोन आ रहा, फोन उठाता हूँ मैं, सनाया भी उधर तैयार हो चुकी है स्कूल जाने के लिए, ये देखो अब तो ना डेली अच्छे से स्कूल जा रहे हैं, बेल्ट असद बहुत देर से ढूंढ रहा था, मिल गया, दादी क्या, तो असद तू पापा साथ जाएगा दादा के साथ स्कूल, सनाया तो पैदल चले जाती, क्यों सनाया पैदल चल जाती ना तो गाइस प्रिंटर को इस तरीके से ढक के रखना पड़ता है ताकि इसमें कचरा ना जाए, अगर इसमें कुछ कचरा वचरा जाता है तो खराबी आ सकती है। सनाया की सहेली आई है सनाया को लेने के लिए, आ सनाया पैदल जाएगी, सनाया ओ सनाया, क्या कर रही है, क्या कर रही है ये सब, ये
गाइस ये क्या झाग बना रही है देखो साबुन का, और कितना सारा झाग बना रहा है। बस बेटा बहुत देर से खेल रही तो अभी धो दो ये सब पानी से। ये देखो ये इस तरीके से खेला करती है साहिबा। भी हो चुका हूँ रेडी, साहिबा भी हो चुकी है तैयार, और जो वाइफ है वो अभी तक तैयार नहीं हुई क्योंकि उनका काम ही कर रहे हैं ये। अभी कपड़ा काट रहे हैं, चलो तैयार हो जल्दी, कब जाएंगे? चलते हैं थोड़ी देर से। ठीक है अब रात में जाएंगे, लेट हो जाएंगे बेटा अपन। अभी हम उमर खाली के पुल पर रुके हैं। जैसा कि जब भी हम यहाँ से जाते हैं तो मछलियों के लिए रोटी लेके आते हैं, रोटियाँ हमारे पास बसती है कुछ रोटियाँ, तो हमें ना उसको या तो डोगी को देते हैं या फिर मछलियों के लिए लाते हैं। चल मछलियों को है ना रोटियाँ डाल देते हैं, वाइप डालेंगे। और गाइस नदी देखो इत्तेफाक से बारिश में भी सूखी है, बिल्कुल सूखी बोल सकते हैं, जबकि ये भर भर के जाती है बारिश में, लेकिन पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ पर इतना। ये उमर खली गांव है और यहाँ पर डीजे बज रहे दोस्तों, हो सकता है बारात बारात आई होगी। डालो उधर उधर, आगे आगे अपन दूर आ गए। गए हम आगे निकल गए थे, देखो वहाँ पर याद है हमको, और ही मेरी बाइक इधर का पार्ट भी देख लो आप, पूरी नदी सूखी है, थोड़ा बहुत पानी है। दो नदी का मिलन होता है दोस्त, एक नदी आ रही इसको कुंदा नदी बोलते हैं और एक नदी आ रही इसको खड़क नदी बोलते हैं। दो नदी यहाँ पर मिल जाती है और ये जाती है नर्मदा नदी में। ये देखो ये इस तरीके से तोड़ तोड़ के डाल रहे हैं टुकड़े कर करके, ये बिल्कुल पानी में गए। अब मछलियाँ खाए या ना खाए वो दूसरा मसला है, लेकिन हमने जो काम करना था वो कर दिया है। चले चलो 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 सामान पैक कर दो, वो टायर सुबह रख देना बस में। टायर सुबह रख देना बस में है ना, सेट रख देना। ये तीन ताले और ये वाले भी, क्या है ये, क्या है बताओ क्या है, नहीं मालूम, संतरा। लो वहाँ बैठ जाओ। तो भाई हमारा जो काम है हमने फटाफट किया है क्योंकि शाम हो चुकी है, और अभी फिलहाल लस्सी पी रहे हैं साहिबा की डिमांड पर। साहिबा जो है कि लस्सी मांग रही थी, थोड़ा बहुत काम और बाकी है वो भी करते हैं, उसके बाद निकलेंगे जल्दी से यहाँ। बर्फ बताओ भैया, बर्फ डाल दे। पास में वो है वाला तालाब वाला, तो उसका भी बढ़िया काम है। बर्फ आपको भी नहीं, आपको नहीं, आप ऐसे ही पियो सर्दी खांसी। हाँ दे दे एक किलो फोटो, नहीं दे दो नहीं, एक किलो भाई 80 रुपये टी शर्ट ओनली। वाह तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है वो। दो पैक करो।
घर आ चुके हैं और सनाया बहुत गुस्से में है। चल रहे थे कौन लेते इधर इधर आ जा इधर आ जा। गाइस सनाया ना बहुत गुस्से में है क्योंकि हम इसको खरगोनी ले गए। क्या होता है दोस्तों कि स्कूल चले जाते हैं और हमारा जाना हो जाता है और हम स्कूल से छुट्टी इसकी बार बार हम स्कूल से छुट्टी ले नहीं सकते हैं, पढ़ाई में दिक्कत आती है। तो दोस्तों आज का टाइटल तो सिर्फ वही रहेगा जो मैंने सुबह आपको कहा था कि यूट्यूब तो छोड़ूंगा मैं, लेकिन खुशी से छोड़ूंगा, लेकिन कब छोड़ूंगा ये मैं बता नहीं सकता हूँ। और खुशी से इसलिए छोड़ूंगा मैं क्योंकि मुझे यूट्यूब ने बहुत कुछ दिया है, आप जैसे प्यारे सब्सक्राइबर दिए हैं जो ज़्यादा नहीं मतलब कुछ भी 1000-2000 लोग जो देखते हैं मुझे वो, और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। और गाइस यूट्यूब से मेरा जो मन है ना वो हटता जा रहा है क्योंकि बहुत सारे हेट कमेंट आते हैं, लोग कुछ भी लिख देते हैं, बहुत ही बुरा बुरा भी लिख देते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है मुझे। फिर भी मैं हिम्मत करता हूँ और व्लॉग बना लेता हूँ, जैसा कि मैं 3-4 दिन बाद आज व्लॉग बना रहा हूँ। तो आई होप कि आप व्लॉग को पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस आप लोगों का प्यार जो है कि मेरा दिल मन में हमेशा रहेगा और मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगा। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है और यूट्यूब से मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कमाया है, कमाया मतलब प्यार कमाया है। और मैं खुश हूँ और खुशी से ही यूट्यूब छोड़ूंगा मैं, रो धो के और फलाना ढिमका अमकाना ये नहीं करूँगा मैं। तो गाइस इस व्लॉग का एंड कर देते हैं, अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। गुड नाइट।